हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कम्पिटिटिव और एकेडमिक क्लासेस में। तो आपको आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज देने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पानी है तो आपको पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये जो रेड कलर का ये जो यहाँ पे आइकन है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर हमने जैसे क्लिक किया तो उसके बाद ये बेल आइकन आ जाएगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है। उसके बाद हम अब सीखते हैं कि हम अपने चैनल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को, ठीक है। तो हम वापस आते हैं और आपको बताते हैं कैसे क्रिएट करना है। तो आपको पहले क्या करना है, आपको अपना ऐसे यूट्यूब का जो प्रोफाइल है वो खोल लेना है यूट्यूब। और यूट्यूब खोलने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका फ़ोटो यहाँ पर लगा होगा इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके ये सीधा यहाँ पर आ जाए खुल जाएगा। और खुलने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको इस फ़ोटो पर फिर से क्लिक करना है। और आप फिर से क्लिक करेंगे तो ये देखो कुछ इस प्रकार से खुलेगा, ठीक है। ये नाम लिख के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो नाम है यहाँ पे आप अपने चैनल का नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया सेटिंग पे, एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो सेटिंग्स ही बनी हुई है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करेंगे आप जैसे ही तो ये खुल जाएगा इस तरह से। तो क्या है, यहाँ जैसे नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप अपने चैनल का नाम डालना है आपको। जैसे मान लीजिए इस पे आपने डाला स्टडी चैनल, कोई यूनिक नाम आपको निकालना है, स्टडी, ठीक है, स्टडी इन। अब यहाँ पे डाल सकते हो आप अपना नाम, आपको निकालना है स्टडी, अब ऐसे निकालना आपको नाम। तो यहाँ पे हम इसका नाम डालते हैं, जैसे हमने डाल दिया सोम स्टडी, ठीक है। सोम स्टडी करके हमने ये चैनल क्रिएट कर दिया, सोम स्टडी करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये सीधा सोम स्टडी पड़ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सोम वाला हम थोड़ा यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम सोम इसमें एस बड़ा बना दे रहे हैं, सोम, और यहाँ पे स्टडी, सोम स्टडी करके हमने ये चैनल क्रिएट किया, यहाँ से सोम स्टडी लिख गया। उसके बाद यहाँ जो आपका ये जो देखो दे रहा है यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं कि इस चैनल में हम क्या नॉलेज प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज वी विल प्रोवाइड हेयर, प्रोवाइड हेयर। तो यहाँ पे क्या करना है, वी विल प्रोवाइड, यहाँ पे हमने लिखना प्रोवाइड हेयर रिलेटेड आर स्टडी, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने ये टाइप कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। और आपको क्या करना है, आपको जो भी आप जैसी भी नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने चैनल पे वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आपका चैनल क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब ये आपका चैनल कैसा हो गया, क्रिएट हो गया आपका चैनल, ठीक। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ से बैक जाना है। अब आपको क्या खोलना है वो देखिए, अब आए अपने क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र में ऐसे यूट्यूब बन के आ रहा होगा, या फिर आप इसमें youtube.com लिख देंगे, youtube.com, ठीक है, और सर्च मार देंगे, ठीक है। जैसे ही कर देंगे तो ऐसे करके कुछ पेज खुल जाएगा, और पेज खुलने के बाद जो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर पे 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे करके पेज खुलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस जो डेस्कटॉप साइट है इसके जो चेक बॉक्स में, इसमें आपको टिक मार देना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, टिक करना है हमें इसे, तो इसमें हमने टिक कर दिया तो ये पूरा डेस्कटॉप साइट का पेज खुल जाएगा, जो लैपटॉप में जैसे खुलता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसके थोड़ा क्या करना है, इसे थोड़ा जूम करना है, और जूम करके जो आपका यहाँ पर फ़ोटो दिख रहा है, ये जो आपका फ़ोटो यहाँ पर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो हमने इस पर क्लिक किया तो उसके बाद आया योर चैनल। तो इस योर चैनल जो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, योर चैनल, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया योर चैनल पे,
जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारा कुछ इस तरह से ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये कस्टमाइज चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है कस्टमाइज चैनल पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका देखो पेज खुलेगा। देखिए इस प्रकार से आपका कुछ पेज खुल जाएगा, ठीक है। इसमें पेज खुलने के बाद इसमें क्या करना है, देखो ये आपका होम रहा, होम पे आपको ये दे रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो ये नीचे की साइड पे ये क्या दे रहा है, एड्स ए सेक्शन। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आप कंटेंट है जो, जैसे ये कंटेंट है किस प्रकार से रिलेटेड आप कंटेंट, जैसे है वीडियो लाइव नाउ देना चाहते हैं, अपकमिंग स्ट्रीम, ऐसे करके जो भी होगा वो आप यहाँ पे सेव कर लेना, ठीक है। करना चाहो तो, या पॉपुलर वीडियोस आप डालना चाहते हो तो इस तरह से आप सेव कर लेना। अब आपको यहाँ पे क्या है कि हॉरिजॉन्टली पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टली करने हैं कि आपको वर्टिकली करना है, तो आपको सीधा हॉरिजॉन्टली रखना है इसे, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आके सेव डन कर देना, ये तो आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको और भी एड सेक्शन करना चाहते हो तो और भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको, अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि चूज अ वीडियो प्लेलिस्ट। यहाँ से आप क्या फीचर कंटेंट, अब ये फीचर कंटेंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए ये डन लिखा है, तो डन कर दिया हमने। जैसे ही हमने डन कर दिया, ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए आ गया आपका वीडियो प्लेलिस्ट, ठीक है, चैनल डिस्कशन अबाउट, ये सभी आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन देगा, वीडियो जो आपने डाली है यहाँ पे। जैसे ही आप जैसे इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वीडियो जो आप डालोगे फीचर में, वो आपकी वीडियो यहाँ से अपलोड दे रहा, अपलोड कर सकते हो यहाँ से, मतलब डेटेड और ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपने कितनी वीडियो डाली है। तो यहाँ पे बॉक्स में जो भी आप वीडियो अपलोड करोगे वो इस यहाँ पे इस जगह पे आपको दिखाया करेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमने दूसरा ऑप्शन देखना प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट क्या होता है ये आपको बता देते हैं। जैसे आप वीडियो डालते हो, ठीक है, वीडियो डालने के बाद आप जैसे मान लो आपने डाला कि जैसे मैथ में मान लो कि आपने नंबर सिस्टम से डाला, जैसे ये नंबर सिस्टम हमने लिख दिया इधर, ठीक है, नंबर सिस्टम से हमने कोई डाला, तो यहाँ पे एक लिस्ट बना देंगे उसकी, यहाँ पे प्लेलिस्ट में उसे ऐड कर देंगे कि कितनी वीडियो हमने इसमें डाली हैं। तो कोई बंदा यहाँ पे डायरेक्ट आके आपकी सभी वीडियो एक साथ देख सकता है यहाँ पे, इसलिए प्लेलिस्ट यूज होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा चैनल। तो चैनल पे आप जैसे ही करेंगे क्लिक, तो ये चैनल पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो अब चैनल करते हैं क्लिक, तो आपका यहाँ पे दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खुल जाएगा कि आपने क्या क्या सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे चैनल के बारे में, यहाँ डिस्कशन, ठीक है, और यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। आपको कोई कमेंट करता है तो वहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे अबाउट। तो अबाउट में क्या है, अबाउट में आपको अपने बारे में जानकारी देनी है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, यहाँ पे देखो हमने लिख दिया था डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आप फिर से ऐड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, और कोई लॉन्ग लिख सकते हो कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो हम तो एक डेमो के लिए दे रहे हैं, तो इस प्रकार से हमने थोड़ा ही लिखा है इसे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिटेल्स देनी है, फॉर अ बिजनेस इंक्वायरी ईमेल आपको दे सकते हो, ईमेल यहाँ पे आप अपनी टाइप कर सकते हो, जो भी आपकी ईमेल हो यहाँ पे आप टाइप कर देना, तो यहाँ पे आपकी ईमेल ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल ऐड कर देनी है यहाँ पे। ईमेल के बाद यहाँ जो लोकेशन दे रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, तो आप कहाँ से हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे लेगा आपको कहाँ से हो आप। तो आप जैसे कहीं कौन से भी देश से हो तो वो डाल देना इसमें, हमें इंडिया से तो इंडिया का डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे इसे अपलोड कंट्री सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि लिंक करो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिंक करो वो देखो। तो लिंक के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी जो लिंक है वो आप लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो आपने अपने फेसबुक की लिंक यहाँ पे URL ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने फेसबुक लिख दिया, ठीक है, फेसबुक, ठीक है, तो फेसबुक आपने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे आप अपनी URL जो भी हो आपकी फेसबुक की वो यहाँ पे ऐसे करके आपको डाल देनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी फेसबुक और भी कोई ऐड कर सकते हो, ठीक है, और ऐड कर सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम की आईडी इसमें ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद आप अपने यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप ऐड कर दो, टेलीग्राम का यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक डाल दो यहाँ पे,
ठीक है, जिससे कि लोग आपको बहुत जल्दी सर्च कर ले आपकी डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये चीज़ हमने आपको सब बता दी, ठीक है, तो इसे हम सबको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ठीक, तो हमने ये कैंसिल कर दी अभी। तो अब क्या करना है आपको, और आपको देखो इसमें क्या करना है, देखो यहाँ यहाँ पे जो आपको दे रहा है ऐड अ चैनल आर्ट, तो यहाँ पे आपको एक चैनल आर्ट बना के यहाँ पे ऐड करनी है। उसका भी एक रेशियो होता है, उस हिसाब से वो बनती है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसी वीडियो में आपको बता देंगे। तो उसमें आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको देखो एक एक सॉफ्टवेयर आपको अपलोड डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं पिक्सल आर्ट। ठीक है, जैसे पिक्सल आर्ट कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें आपके क्या है, थंबनेल्स आप बना सकते हो उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करें, इसमें हमने आपको एक नया पेज लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा ओल्ड पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक नया पेज ले लिया, और यहाँ पे किस रेशियो में बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे जो थ्री डॉट, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस थ्री डॉट पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है इमेज साइज। ठीक है, तो इमेज साइज, तो यहाँ पे आपको अब क्लिक करना है इमेज साइज पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो ये भी कस्टम जो दे रहा है, ठीक है, अब इसमें जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको ये दे रहा है कस्टम, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ऐसे करके आ जाएगा स्क्वायर प्रोफाइल। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, यूट्यूब का बैनर बनाना है। तो बैनर के लिए ये देखो लिख रहा है यूट्यूब का बैनर बनाना है, तो यहाँ पे आपको यूट्यूब के बैनर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो इसका रेशियो अपने आप ले लेगा ये। ठीक है, ऐसे करके रेशियो ले लिया इसने। उसके बाद इस टेक्स्ट में आप जैसे मान लो कुछ यहाँ पे डालते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना लिखना है। जैसे मान लो इसमें आपने लिखा क्या, जैसे यहाँ पे आपको लिखा सोम स्टडी। ठीक है, जैसे मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया SOAM सोम स्टडी। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया, जैसे सोम स्टडी हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका देखो कलर दे रहा है, कलर कलर पे हमें आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे हमने मान लो ग्रेडियंट कलर ले लिया है, कि यहाँ पे मान लो ऐसे करके ले लिया सोम स्टडी करके, और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। और यहाँ पे आप और भी अपनी चीज़ें कर सकते हो, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से इसको सेव कर लिया। ठीक है, तो यही चीज़ हम क्या करेंगे अभी इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो हम कहाँ थे अभी, अपने गूगल क्रोम में थे। तो यहाँ पे हम ऐड चैनल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो वैसे ही ये क्या करेगा, ये आपको यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो दे रहा है डॉट्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ऐड अ चैनल आर्ट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये देखो, ये जो नीचे बॉक्स में आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे चैनल का आर्ट यहाँ पे नीचे लिखा है, नेचुरल चैनल आर्ट आपको करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो ये देखो पेज खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट अ प्रोफाइल कंप्यूटर पिक्चर, तो यहाँ से आपने जैसे क्लिक किया, तो आपको फाइल्स में चल ले जाएगा। फाइल्स में जाके आपको जो अभी आपने रिसेंटली सेव किया था, इस चीज़ को आप उठा सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ से इसे अपलोड करेंगे, तो ये देखिए आपका सक्सेसफुली अपलोडेड हो जाएगा इसके पीछे। ठीक है, अगर आपने सही, आपका रेशियो बन गया पूरा, तो आपका ऐसे देखो दिखाई देगा, पीसी में ऐसे दिखाई देगा, मोबाइल में ऐसे दिखाई देगा, और ठीक है, और यहाँ पे आपका लैपटॉप में ऐसे दिखाई देगा। ये तीनों इसने बता दिया है कि किस किस में किस प्रकार से आपका आइकन दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके ऐसे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इस पर क्या कर देना है, इसे एडजस्ट हो गया है ये, ठीक है, सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एडजस्ट क्रॉप नहीं करना कुछ भी, और इसे सीधा अपलोड कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही अपलोड करोगे, तो ये देखो सेविंग हो रहा है पीछे की साइड पे, और ये देखो पूरा सेव हो गया सो मिस्टेडी करके, ये देखो पूरा बैनर पे चला गया आपके पीछे वाले पे। इस तरह से बैनर लगा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखो यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे जो फोटोसा दे रहा है, फोटोसा, ठीक है, ये देखो फोटोसा, यहाँ पे आप चैनल की वो अपनी लगा सकते हो, लोगो अपना जो चैनल आप, उसके लिए आपको लोगो के लिए क्या करना है, ठीक, तो इसी पे आपको क्लिक करना है एक बार। तो ये देखो पेंसिल सी आ गई, पेंसिल सी पे आपको क्या करना है, इसमें एडिट आइकन करना है। आइकन एडिट करने के बाद इसमें जो भी आपने जो देखो आपने अभी जैसे बनाया था वो बैनर, वो इसमें अभी फिट नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो उसका साइज अलग होता है। अब जैसे हम देखो दिखाते हैं आपको, जैसे ये मान लो यही था अभी,
तो ये देखो अभी बैनर इसमें पूर्ण तरीके से एडजस्ट नहीं होगा, तो इसके लिए अलग से आप रेशियो का बनाना है उसको, ठीक है। तो देखिए मैंने कर दिया है, अब देखो अपलोड होता है कि नहीं होता है, इसे आप देखना है, ठीक है। अपलोड होगा पर इसमें अक्षर क्या है, इधर उधर हो सकते हैं आपके, एडजस्ट नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ये इसकी अपलोडिंग अभी चल रही है, ठीक है, थोड़ा टाइम। तो देखिए ये हमारा कुल मिला के सही बैठ गया है। तो इसके लिए क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना डन पे, और जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इस प्रकार से ये जो है फ़ोटो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा सो मिस्टेडी करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये आपका पूरा यहाँ पे चैनल सेटअप हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मेल फीमेल आपकी डेट ऑफ बर्थ और आप एल्बम में चिप और भी आप चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम पीछे होते हैं और इस तरह से आपका ये पूरा चैनल अब आपका क्रिएट हो गया है। और आपको जैसी वीडियो अपलोड करनी होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे तो आप वीडियो वाले ऑप्शन में चले जाना, ऑप्शन में जाने के बाद जैसे ही आप वीडियो वाले ऑप्शन में पहुंचेंगे तो यहाँ पे अपलोड आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अपलोड वीडियो जो आपने की है वो वाली वीडियो दिखाएगा, और अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको पहले अपने यूट्यूब चैनल में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप यूट्यूब वाला, जैसे ये अपना यूट्यूब का आइकन ये वाला आपको खोलना पड़ेगा यूट्यूब वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम आप इससे खोल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे ही हम खोलेंगे तो इस प्रकार से, जैसे मान लो हम उसी चैनल से अपने लॉगिन हो जा रहे हैं जिससे हम थे अभी, ठीक है। तो इससे हमने लॉगिन हो गए, और लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिए आपका सब आ गया है। यहाँ पे ये जो आपका आता है, ये जो बॉक्स आता है यहाँ पे, जब आप क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो ये पूछेगा कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है वीडियो या गो लाइव जाना है, ठीक है। और यहाँ से वीडियो डालनी है तो यहाँ से वीडियो आप डाल सकते हैं कोई भी सिलेक्ट करके, ठीक है। जैसे मान लो ये 2 सेकंड की हमने वीडियो ली यहाँ से और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे जाके क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको टाइटल डालना है, किससे रिलेटेड डाली है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखना है जो भी आप इसके बारे में वीडियो बारे में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डालनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे जाके ये जो है यहाँ पे जाके आपको क्लिक कर देना तो आगे बढ़ जाएगी वीडियो, पढ़ने लगेगी, अपलोड होने लगेगी। क्या करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी, तो इस तरह से आप अपने पूरे चैनल को ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। और आपको और किसी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो बना के दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।